हक बनकर ये चैनल आगे आता है। कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है। कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, गाज़ीपुर बॉर्डर पर BJP कारकुनान और किसानों के दरमियान आज तसादम देखने को मिला है, तोड़फोड़ हुई है। जिस रियासत में गौकशी को लेकर के मॉब लिंचिंग होती है और हुकूक की बात करते हैं, वहीं पर किस तरह से मवेशियों की हालत हुई है वो ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। और रामदेव पर क्यों मोदी हुकूमत मेहरबान है और किस तरह का ऐप तैयार करने की इजाज़त दी बल्कि ठेका दिया, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से क्या कहा है डॉक्टरों पर तबसरे को लेकर के। जामिया मिलिया इस्लामिया का तालिब इल्म को दी डायना अवार्ड से क्यों नवाजा गया और उमर गौतम के सिलसिले में ताज़ा तफसीलात क्या फराहम की गई हैं। और SFA के नौजवान ने किस तरह ख़ुद को गोली मार करके ख़ुदकुशी कर ली। BJP लीडर के ख़िलाफ़ ख़बर लिखने पर किस तरह से सहाफ़िर पर हमला हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, आप लोग बेहतर जानते हैं आपको करना क्या है, नीचे तफसीलात हैं। और साथ ही मुश्तरका कुर्बानी की सारी तफसीलात हासिल करने के लिए नीचे जो नंबर यहाँ दिया जा रहा है उस पर व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह सारी तफसीलात आपको फराहम कर दी जाएंगी। इसलिए कि जो पहले आया पहले दिन ईद के दिन की कुर्बानियों के लिए उनका नाम उसमें जो है शामिल हो जाएगा, यानी कि जिस तरह गुजरते अयाम के साथ नाम लिखवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि 3 दिन में जो है कहीं ना कहीं नाम आएगा, इसलिए इस जानिब आप ज़रूर तवज्जो दें। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं सबसे पहले उस खबर की जिस खबर ने आज जो है अलग ही तरह की सुर्खी बनाई, ये कि क्या वाकई में BJP किसानों के साथ इस वक्त दुश्मनी निकालने के लिए उतावली हो रही है। दरअसल ज़रिए कवानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली की सरहदों पर किसानों के मुजाहरे को 7 महीने हो चुके हैं। इसी दरमियान UP गेट गाज़ीपुर बॉर्डर पर सुबह किसानों और BJP कारकुनान के दरमियान मारपीट का वाक़ सामने आया। इसमें गाड़ियों में तोड़फोड़, कुछ लोगों के चोट लगने का दावा किया जाता है। जानकारी ये मिल रही है कि करीब 10 बजे BJP के कुछ कारकुनान BJP लीडर अमित वाल्मीकि के इस्तकबाल में मुजाहरे के मकाम पर मौजूद थे। ढोल नगाड़े बजाकर उनका इस्तकबाल किया जा रहा था। इसी दौरान किसानों ने इस बात पर उनका एतराज़ किया और उनको स्याह परचम दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों ग्रुप के दरमियान मारपीट शुरू हो गई। BJP के एक कारकुन ने बताया कि हम अपने लीडर का इस्तकबाल कर रहे थे और टकेत अपने साथियों के साथ आया, उनके हाथों में लोहे के डंडे वगैरह थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है कहां तक ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं। उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने तकरीबन 70 से 80 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अब बताइए 70 से 80 गाड़ियों में तोड़फोड़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। BJP लीडर नीता सिंह का इस मामले में कहना है कि BJP लीडर अमित वाल्मीकि जी के इस्तकबाल में हम पुराना अंदाज में खड़े थे, इसी दौरान टकेत के हामी हथियार लेकर आया, हमारी बहनों के साथ मारपीट की, किसी का ये खवातीन जख्मी हो गई। दूसरी तरफ किसानों का इल्ज़ाम है कि BJP के कुछ कारकुनान जाए उजाहरे पर पहुंचकर किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी किसानों उनके दरमियान मारपीट हुई। किसानों के जरिए भी कहा जा रहा है कि BJP कारकुनान गाली गलौज कर रहे थे। किसान ने इस पर एतराज़ जाहिर किया तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये वाक़ सरजद हुआ। हकीकत यही है नाज़रीन गिरामी, आप तो जानते हैं BJP कारकुनान को, और गुज़िश्ता 7 महीनों से एहतजाज कर रहे किसानों को लेकर के BJP का जो रवैया रहा है, मीडिया का जो रवैया रहा है, और किसानों को बदनाम करने के लिए उस एहतजाज और तहरीक को बदनाम करने के लिए जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। ऐसे में BJP कारकुनान की जानिब से जो हुआ और जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं किसानों पर, उसका जो है दूर दूर से कोई हकीकत से लेना देना नहीं है, बल्कि दादागिरी का आगाज़ कौन करता है आप लोग खूब अंदाज़ में जानते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको उत्तर प्रदेश में, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मवेशियों का यानी कि गाय और गायों का और बैलों का बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखा जाता है।
लेकिन हकीकत यह है कि वो सब बयानबाजियों तक महदूद है जहाँ गौ रक्षा करके जिन विद्यालय में ले जा कर के रखा जा रहा है वहाँ पर इन मवेशियों को खाने को घास तक नहीं दिया जा रहा है। खबर आ रही है कि इटावा ज़िले के परौली रामायण ज़िले के गौशाला में इस वक्त जो है 6 गाय जो है वो मर चुके हैं और 12 की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और इस जो है गौशाला में 1000 से ज़्यादा जानवर हैं। इन लोगों के लिए खाने का सही तौर पर बंदोबस्त न किया जा रहा है, ला ला कर की एक ही जगह में ठोसा जा रहा है। मकामी लोगों ने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि 1000 से ज़्यादा यहाँ जानवरों को किसी भी तरह से सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। 12 पूरी तरह से जो है मरने के करीब हो चुके हैं तो 6 मारे जा चुके हैं और बहुत सारे गायों का इसी तरह के जो है हालात हैं। तो नाज़रीन गिरामी, गौशाला के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है गौशाला बनाए गए हैं, हज़ारों की तादाद में लाकर के यहाँ ठूस दिया जाता है, लेकिन उनके जो है खाने पीने का ना इंतज़ाम हो रहा है, ना ही उनका सही तौर पर कहीं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। जानवर के नाम पर इंसानों को मारना आम बात हो चुकी है और ये उसी इलाके की रियासत की बात है जिस इलाके के सिलसिले में दावा किया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है जानवर, लेकिन जहाँ इंसान ही सेफ ना हो वहाँ जानवर कैसे सेफ रह सकते। क्या आप अपने पशुधन को बेचना चाहते हैं? बाजार में खरीदारी की कमी और सही कीमत नहीं मिलने के वजह से थक चुके हैं? बार बार बाजार जाने के बावजूद सही नस्ल के पशुओं के ना मिलने के वजह से परेशान हैं? पर अब और नहीं, स्वागत कीजिए एनिमल सेल्स ऐप का, पशुधन के खरीदने और बिक्री के लिए बनाई गई एक बेहतरीन ऑनलाइन मंडी, जहां आप पशुओं को खरीदने और बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सिर्फ अपने फोन के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो अब देर किस बात की, पशु व्यापार को एक आसान बनाने के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, आइए खबर अगली खबर की बात करते हैं और बात करते हैं रामदेव की और मोदी हुकूमत उस पर जिस तरह मेहरबान हो रही है। दरअसल आज ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर डॉक्टरों के हवाले से रामदेव ने जो बयान दिया था, दो टोक अंदाज में कहा था कि आपने जो कुछ भी कहा है उसकी नकल और वीडियो सुप्रीम कोर्ट में जमा करें। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ योगा गुरु स्वामी रामदेव को हलाकत खैज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतालिक एलोपैथी बमुकाबला आयुर्वेद तनाज़े में अपने बयान की नकल और वीडियो फराहम करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत के दौरान रामदेव से मुतालिक बयान की वीडियो और नकल की फराहमी की हिदायत की है। एक जानिब साफ तौर पर दो टोक अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रामदेव को जो है जहाँ पर इस तरह का नोटिस भेजा है, वहीं पर जो है आज मरकज़ी हुकूमत उन पर मेहरबान होती हुई नज़र आई। दरअसल महसूस ये होता है कि इस वक्त मरकज़ी हुकूमत चंद गिने चुने बड़े बड़े ताजिरों के इर्द गिर्द ही घूम रही है या उसके नज़र में सिर्फ वही लोग नज़र आते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अब किसानों का सारा डेटा हासिल करके जमा करेगी और उसे एक ऐप में इकट्ठा करेगी। स्मार्ट फार्मिंग के नाम पर मरकज़ की मोदी हुकूमत ने पतंजलि को इस ताल्लुक से ठेका दे दिया है, जिससे रामदेव की कंपनी को किसानों की डेमोग्राफिक जानकारियां, उनकी ज़मीनों और उसमें उगने वाली फसलों, ज़मीनों के मैयार वगैरह का पता लगाने का हक मिल गया। नेशनल हेराल्ड को मिले दस्तावेज़ों से साबित होता है कि मरकज़ की वजारत ज़राअत और पतंजलि के दरमियान इस समझौते पर 1 जून 2021 को दस्तखत हुए हैं। यानी अब पूरी तरह से साजिश रची जा रही है कि किसान जिस तरह से जो है इस वक्त अपनी ज़मीन की बचौती के लिए अपने जो उन पर जो 3 ज़रिए कवानीन हैं उसको लेकर के जहाँ एक तरफ जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी दरमियान में बाबा रामदेव को इतनी बड़ी जानकारी हासिल करने के लिए एक ऐप तैयार करने की पूरा तरह से ठेका देना, इसमें बहुत सारे खदशात पैदा हो रहे हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ऑर्गिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड और मरकज़ी हुकूमत की वजारत बराए ज़राअत और किसान फलाह के दरमियान इस माहदे को किसानों के लिए एक बड़ा और बेहतर इकोसिस्टम बनाने की पेशकदमी के तौर पर बताया तो गया है, लेकिन हकीकत इसके पीछे क्या साजिशें हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शायद इस फैसले से भी ज़राअत यानी कि जो है ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या किसान शायद जो है राज़ी नहीं होंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूं और वो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म कैफ अली को अवार्ड से नवाजे जाने के सिलसिले में। जी हाँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म कैफ अली को बरतानिया के मशहूर एजाजात में से एक दी डाइना अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। वो बी आर्क साल चहारुम के तालिब इल्म हैं और उन्हें अवार्ड कोविड के साथ बदलती दुनिया में उनके गैर मामूली तआवुन कोविड-19 इनोवेशन स्पेस इरा के लिए दिया गया है। कैफ अली को दी
डायना अवार्ड 2021 मिलने के बाद जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने खुशी का इजहार किया है और कैफ को मुबारकबादी भी पेश की है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को कैफ पर फ़ख्र है, वो दौर जदीद की ज़रूरत के मुताबिक, और ये भी जाहिर करता है कि आज की मुकाबला आ रहा दुनिया में किसी को रिवायत से हटकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, इतना बड़ा अवार्ड एक मुस्लिम और वो भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिबे इल्म को मिलने से और भारत से इसका ताल्लुक़ होने की वजह से इस वक्त वो वाकई में मुबारकबादी के हकदार हैं और सीधे बात भी उनकी खिदमत में मुबारकबादी पेश करता है इतना बड़ा अवार्ड हासिल करने की सूरत में। आइए नाज़रीन गिरामी, उमर गौतम की बात करें। मुबैना तब्दील मजहब के मामले में मुलजिम बनाए गए मोहम्मद उमर गौतम की ज़िले में फैले नेटवर्क की जांच के बाद प्रयागराज टीम लौट गई है। हालांकि अब उमर गौतम की जायदाद को खंगालने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम के ज़िले में आने का इम्कान हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है कि मौलाना मोहम्मद उमर गौतम साहब पर किस किस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है जो भी आया है उस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस दरमियान में जो जांच में आगे चीज़ें बढ़ रही हैं वो तफसीलात मैं आप उनके सामने रख रहा हूँ। ज़िले के रहने वाले मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किए जाने के बाद ATS की एक टीम गुज़श्ता 4 दिनों से ज़िले में डेरा डाली हुई थी। टीम उमर गौतम के बारे में उसके गाँव पंथवा और ससुराल केहन समेत दीगर जगहों से जुड़ी हर जानकारी की गहराई से छानबीन कर रही है। उमर गौतम का ज़िले में कई जगहों पर आने जाने की सबूत भी टीम ने जमा की है। इसके बाद ATS इतवार की रात प्रयागराज लौट गई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक के बाद एक मौलाना उमर मोहम्मद गौतम पर जो है इस तरह के इल्ज़ाम लगा करके अलग अलग तरह की चीज़ें पेश करने की कोशिश हो रही है। दावा ये हो सकता है कि जो है चार्जशीट दाखिल करते करते न जाने जो है कितने इल्ज़ाम जो है मौलाना उमर गौतम पर ATS की जानिब से लगाई जाए। भाई अब देखते हैं कि आगे किस तरह के मरहले पैदा होते हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन, उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मंगलवारा थाना इलाके में खसूसी सशस्त्र पुलिस फोर्स जिसको SAEF के एक कहा जाता है, उसके एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है और ख़ुद को गोली मार करके खुदकुशी की है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस SAEF की 10वीं बटालियन वदेटा के जवान अजय पाल सिंह तो हर मंगलवारा थाना इलाके के पटेल नगर में किराए के मकान में रहते थे। कल रात उन्होंने खुदकुशी कर ली है। इस तरह से नाज़रीन गिरामी, फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाली और सिक्योरिटी सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी नौजवानों के सिलसिले में इस तरह लगातार खुदकुशियों की वारदात ने इस वक्त जो एक अलग ही किस्म का तबसरा पैदा कर दिया है कि आखिर जो है फौजी नौजवान इस तरह का इंतहाई इकदाम उठाते क्यों हैं और किस तरह के जो है वो मसाइल से घिरे हुए हैं। क्या भारत की हुकूमत इस सिलसिले में संजीदगी से सोचती है? इस तरह के अलग अलग तरह के सवाल लगातार निकल कर के सामने आते हैं जब सिक्योरिटी फोर्सेज से वाबस्ता अलग अलग टुकड़ियों से नौजवान जो है इस तरह की खुदकुशियों के इकदाम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर BJP के लीडर के खिलाफ खबर लिखना इस कदर महंगा पड़ गया कि जो एक जर्नलिस्ट पर हमला हुआ है और वो भी जानलेवा हमला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में BJP MLA इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू और विकास सिंह देवगढ़ के खिलाफ खबर लिखने पर भारत किंग अखबार के ब्यूरो चीफ और जन संदेश टाइम्स के सिटी रिपोर्टर पाटेश्वरी सिंह पर जानलेवा हमला किया गया है। न्यूजीलैंडरी के मुताबिक इस हमले में सहाफ़ी बुरी तरह ज़ख्मी हो गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सहाफ़ी ने एक वीडियो में बयान दिया है, जब वो घर जा रहे थे तभी रास्ते में काली सफारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। जैसे ही मैं मोटरसाइकिल से नीचे गिरा तकरीबन 4-5 लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। सहाफ़ी ने बताया कि लड़ाई के दौरान उन लोगों ने कहा, अब निकालो इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू और विकास सिंह देवगढ़ के खिलाफ खबर, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी आसपास के कुछ लोग आए तो वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार सच बोलने पर और बिलखसूस BJP लीडरान और उनके सिस्टम और उनकी हुकूमतों के खिलाफ लिखने पर लगातार सहाफ़ियों पर इस वक्त जो है हमले हो रहे हैं और उसकी ताज़ा मिसाल ये हालिया सहाफ़ी पर हमला है। नाज़रीन गिरामी, उधर ज़िला मजिस्ट्रेट राजौरी ने ड्रोन्स और फिज़ा में उड़ाए जाने वाले दूसरे खिलौनों पर लगातार पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगर आप ज़िला मजिस्ट्रेट राजौरी में ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वहां पर हवा में उड़ा करके खेले जाने वाले किसी भी खिलौने के साथ खेला नहीं जा सकता, इसलिए कि पाबंदी है। बुध के रोज़ जारी किए जाने वाले एक हुक्मनामे में कहा कि कौम दुश्मन अनासिर यूनियन टेरेटरी के बाज़ इलाक़ों में ड्रोन्स और फिज़ा में उड़ाए जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को माली व जानी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस वजह से मुकम्मल ज़िले में इस तरह के खिलौनों या इस तरह के ड्रोन या जो कोई भी हो सकता है, कोई भी शक की चीज़ जो आसमान में उड़ती है, फिज़ा में उड़ती है, उस पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हाल ही में ड्रोन्स के ज़रिए से यहाँ पर किस तरह हमला हुआ था। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलूँ अफ़गानिस्तान। जर्मनी ने अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनकलाब मुकम्मल कर लिया है और इस इनकलाब को तारीख के एक बाब के अख्ताम से ताबीर किया गया है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा एंग्रेट कम किरण बावा ने बुध को एक बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान में लगभग 20 बरस की तैनाती के बाद वहाँ मौजूद हमारे आखिरी फौजी दस्ते ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान ने शिमाली शहर मज़ार शरीफ की फौजी बेस से मंगल की शाम जर्मन फौजियों ने 2 A-400 MS और 2 C-17 तैयारों के जरिए वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान से इनकला से तारीख के एक बाब का खात्मा हुआ है। उनके बकौल अफ़गानिस्तान में फ़ौज की तैनाती के दौरान अहलकारों ने अपने पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। जर्मन वजीर खारिजा ने अपने ट्वीट में इन तमाम 1.5 लाख मर्द खवातीन फौजी अहलकारों की खिदमत को भी सराहा है। नाज़रीन, 2001 से अफगानिस्तान में खिदमत पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जर्मन फौजी अपनी खिदमत पर फख्र कर सकते हैं। वैकैब नाज़रीन निगरामी, ये लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान से अफवाज नेटो से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफवाज जो अलग अलग ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उनके इनखिला का जो है लगातार सिलसिला जारी है। अब महसूस किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की कुछ ही दिनों या हफ्तों के बाद एक अलग ही तस्वीर निकल करके सामने आएगी। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसीं एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हम ने तो मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुरअत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुरअत ओ हिम्मत का है इजहार।